अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नजमा शाकिर। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आपसे खुशी के राज के बारे में बात करना चाहूँगी। आप हम तकरीबन तमाम लोग खुश रहना चाहते हैं और खुशी के इस राज को पाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुश कैसे रहा जाए। असल में खुशी एक ज़हनी कैफियत का नाम है। जब हम अपने गोल्स और ख्वाहिशात को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमें कैफियत हासिल होती है उसमें हम खुशी या सुकून महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम जगह बदल लेंगे तो खुश हो जाएंगे, या अपने पसंदीदा शख्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, या अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि खुशी बांटने का नाम है। खुशी इंसान के जज्बात के साथ मुंसलिक है। जहाँ पर इंसान के जज्बात का खून होता है वहीं पर नफ़रत जन्म लेती है, और ये नफ़रत ही इंसान को बेहद नुकसान पहुँचाती है। अगर मैं अपने सुनने वालों के सामने दो बातें रख दूँ कि एक तो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं लेकिन आपके दिल में खुशी और इत्मीनान ना हो, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी हो जाएं और कुछ ख्वाहिशात रह जाएं लेकिन आपके दिल में खुशी और इत्मीनान हो, तो समझदार इंसान वही होगा जो दूसरी वाली बात को चुनेगा। यानी कि असल चीज़ दिल की खुशी और इत्मीनान है। ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इन ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ के खप्पी बन जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को एंजॉय नहीं कर पाते, एक चाय के मग को एंजॉय नहीं कर पाते, इवन के मौसम को भी एंजॉय नहीं कर पाते। और जो समझदार लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ मौसम और चाय का कप एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी में लोग अपनी ख्वाहिशें तो पूरी कर रहे हैं लेकिन खुशी पूरी नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं कि आज तक तमाम दुनिया में खुशी के ऊपर 56,700 किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि हर इंसान इस खुशी को हासिल करना चाहता है। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। उसके पास बेहद पैसा था लेकिन इसके बावजूद इत्मीनान और खुशी नहीं थी। इत्मीनान और खुशी हासिल करने के लिए उसने अपना कमाया हुआ पैसा लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कामयाब लोग खुशी का सीक्रेट जानते हैं कि खुशी बांटने के साथ है, कभी भी समेटने के साथ नहीं है। अपने बच्चों के लिए कमाएँ, उनके लिए स्ट्रगल करें, भरपूर कोशिश करें, लेकिन रिजल्ट्स अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जब हम रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं तो मायूस होते हैं। अल्लाह ताला बहुत करीम ज़ात है, वो कभी भी बंदे की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कभी तो ऐसा होता है कि जितनी आपने मेहनत की होती है उसका रिज़ल्ट एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला ने वो रिज़ल्ट मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा हुआ होता है। कहीं वो आपको रिस्क की सूरत में मिलेगा, कहीं वो आपको औलाद की सूरत में मिलेगा, कहीं वो आपको सुकून की सूरत में मिलेगा, कहीं वो आपको दिल के इत्मीनान और खुशी की सूरत में मिलेगा। तो प्लीज़ अल्लाह ताला से ज़िद ना करें, और जो वो दे दे उस पर उसका शुक्र बजा लाएं। एक शख्स को मालूम हुआ कि जंगल में एक बाबा जी रहते हैं। उसने उन बाबा जी से मिलने का फ़ैसला किया। वो शख्स जब बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी मराकबे में थे। मराकबे से जैसे ही फारिग हुए तो उस शख्स ने अपना मसला बयान किया। उसने कहा, बाबा जी मेरे पास दुनिया की नेमतें हैं, पैसे रुपये की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है। बाबा जी कहने लगे, अच्छा क्या क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा, घर है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, यहाँ तक कि कोहनूर का हीरा भी मेरे पास है। बाबा जी ने कहा, अच्छा। बाबा जी ने कहा, ऐसा करो कि कल कोहनूर का हीरा लाके मुझे दिखाना, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है। उस शख्स ने कहा, ठीक है। अगले दिन वो शख्स दोबारा बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हीरा बाबा जी के हाथ पे रख दिया। बाबा जी ने हीरे को देखा और देखने के बाद उन्होंने पहाड़ की तरफ दौड़ लगा ली। बाबा जी क्योंकि पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे, वो भागते दौड़ते पहाड़ पर चढ़ गए, और वो शख्स जो था पहले तो बाबा जी को देखता रहा, फिर उसने भी बाबा जी के पीछे भागना शुरू कर दिया। अब बाबा जी आगे आगे और वो शख्स पीछे पीछे। बाबा जी पहाड़ पे चढ़ गए। अब वो शख्स तरले मिनते करे कि बाबा जी प्लीज़ मेरा हीरा मुझे वापस कर दें। बाबा जी ने कहा, अच्छा पहले ऐसा करो कि नाक रगड़ो। उस शख्स ने नाक रगड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, कान पकड़ो। उस शख्स ने कान भी पकड़े। बाबा जी कहने लगे, पुत्र चीज़ों की कदर उस वक्त तक नहीं आती जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। तो बस कितने शख्स ऐसे हैं कि शायद वो इसलिए भी खुश नहीं हैं कि वो चीज़ों को खोने के एहसास से नावाकिफ हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो जिसकी मदद हम करते हैं उसके दिल में जो जज्बात हमारे लिए उभरते हैं, और वो जज्बात अब अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला तक पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से हमारे लिए खुशी और इत्मीनान नाजिल फरमाते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती खुशी और गम दोनों के साथ है। अगर दिल का मौसम एक ही जैसा रहे और दिल की एक ही जैसी कैफियत रहे तो हम खुशी के एहसास से नावाकिफ हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर तंगी के बाद आसानी रखी है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि हर तंगी के साथ आसानी है। यानी इंसान जब भी तंगी में आ जाएगा तो उसके बाद आसानी ज़रूर होगी। अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखें, और जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उन्हें इंजॉय करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और चीज़ों की कदर करें चीज़ों के खो जाने से पहले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।